हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने देखा कि डिजीज़ क्या है, हेल्थ क्या है, इनकी डेफिनेशन के बारे में जाना, ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे जो ये डिजीज़ है, यानी कि जो डिसऑर्डर हो जाते हैं हमारी बॉडी में जब हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है एक्चुअली, ठीक है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं या डिसीजेस हो जाती। देयर आर डिफरेंट रीजंस, या हम कह सकते हैं देयर डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इनमें से कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बेटा, और कुछ कैसे होते हैं, समहार एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स यानी कि द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर से होते हैं, उसमें हम बाहर से नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी के बाहर जो चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर की ही चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बीमार होने के लिए, डिजीज़ के लिए। तो इन्हें हम, इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। तो देखते हैं कौन कौन से ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। देखिए बेटा, इनमें फर्स्ट जो अगर हम बात करेंगे, माल फंक्शनिंग और वी कैन से इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, सच एज, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गई, अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे अंदर से, ठीक, तो या कभी कभी सुना होगा आपने किडनी फेलियर होना, हार्ट फेल होना, ठीक है, तो अगर हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, मल फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स हम कह सकते हैं, या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमें बीमारियां हो सकती हैं अगर हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, कुछ जो डिजीज़ होती हैं वो हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं। अब ये हेरिडिटरी डिजीज़ क्या हैं, हेरिडिटरी मीन्स जो हेरिडिटी में चली आ रही है, यानी कि पेरेंट्स को भी, उसके बाद उनके यंग वंस को, और उसके बाद उनके भी यंग वंस को, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रही है जो डिजीज़, वो हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं। और कैसे ये जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे हमारे हम कह सकते हैं कि डीएनए में होते हैं, डीएनए का ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को, अगर यहाँ पे देखें आप लोग, ठीक है, ये डीएनए कॉइलिंग है ये, ठीक है, तो यहाँ कोडेड होती हैं ये डिजीज़, हमारे डीएनए में ही, या हम कह सकते हैं जीन में ही कोडेड होती हैं, और पेरेंट्स से उनके यंग वंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें बहुत सारे डिजीज़ हैं जो हमारी हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं। इसमें कॉमन है आपके पास एक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया यानी कि इसमें डिजीज़ में क्या होता है बच्चों, अगर कहीं पे कट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं क्लॉटिंग नहीं होती है। जनरली क्या होता है, अगर हमारे कहीं पे कट गया तो थोड़ी देर में आप देखेंगे वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है, बट जो हीमोफीलिया जो डिज़ीज़ है वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये कैसे डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी कि पेरेंट्स से उनके यंग वंस में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो अब ये भी कैसा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, ये जीन में है, ये डिजीज़ जो है कोडेड है, ठीक, तो ये भी इंटरनल फैक्टर है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल आपके आएंगे बच्चों, अगर आप देखें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हम कहते हैं, अगर बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली हम कहेंगे सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो भी बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। ये हॉर्मोन्स के बारे में अगर आपको याद हो तो 8th क्लास में आपने पढ़ा था, जब आपने किसके बारे में पढ़ा था, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो आपने देखा था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक, जैसे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, हमारे नेक में ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड, ठीक, वहाँ से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रॉपरली वर्क करें इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ
आयोडीन वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच फूड हमें चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करती, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। और जो ये स्वेलिंग है नेक ग्लैंड में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द गॉइटर। तो इस वजह से हो सकता है कि अगर हमारी ग्लैंड्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, हॉर्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे, या थायराइड डिजीज़ भी आप लोगों ने सुना होगा, ये किस वजह से आपकी, ड्यू टू थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसी डायबिटीज़ सुना होगा आप लोगों ने कि डायबिटीज़ हो जाती है, या डायबिटिक पेशेंट आपने सुना होगा। तो ये क्यों होता है, तो अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट एट्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम पढ़ रहे थे, तो पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है बेटा, तो पैनक्रियाज से आपके टू हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेनली ग्लूकागन एंड इंसुलिन हार्मोन, ठीक। तो ग्लूकागन क्या करता है, इट रेज द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन उसको रिड्यूस करता है। लेकिन अगर इंसुलिन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस तो होगा नहीं, ठीक है, और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो हम कहते हैं कि शुगर डिजीज़ हो गई, या इसी को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी क्या हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और ये भी कैसे डिजीज़ है, इंटरनल फैक्टर ही है, क्योंकि हार्मोन्स तो हमारी बॉडी के अंदर से ही रिलीज हो रहे हैं, वो बाहर से नहीं हो रहे। ओके, आगे देखिए बेटा, कभी कभी क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो तब भी बहुत सारे डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसमें सबसे कॉमन है एलर्जिक डिजीज़, ठीक है, जो एलर्जी जो हो जाती हैं ये किस वजह से है, आपका डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो ये भी कैसा है, इम्यून सिस्टम हमारे अंदर जो हमारे WBCs हैं उनकी वजह से होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये भी कैसा फैक्टर होगा आपका, दैट इज़ ऑल्सो इंटरनल फैक्टर। अब देखिए बेटा, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि जो बाहर से है, ठीक है, बाहर से अगर हमारी कुछ चीज़ें प्रॉपरली हमारी बॉडी में नहीं जा रही हैं, तो उस वजह से भी हमें क्या होती है, कई सारे डिजीज़ हो सकती हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो डिजीज़ हो रही हैं। इसमें सबसे कॉमन है जो, वो है अनबैलेंस्ड डाइट। आज हम लोग कैसे हो गए बेटा, हम डाइट तो लेते हैं, अपना पेट तो भरते हैं, बट हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग है कि सफिशिएंट हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, जो मेनली हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं रफेज, ठीक। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें बहुत सारे विटामिन्स हो गए आपके, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे मेनली हमारे सीरियल्स से हमें मिलता है, प्रोटीन है, पल्सेस बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, इसके साथ साथ एग हो गया, फ्लैश हो गया, मटन हो गया, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और आपका मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क तो एक कंप्लीट फूड है जिसमें आपके लगभग सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी एंड फाइबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए आपका, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स हमें यहाँ से मिलते हैं, तो वो होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, ठीक है, और क्या है, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक, मिल्क होना चाहिए जहाँ से हमें डिफरेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं, मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, जिससे फैट वगैरह भी हमें मिलता रहे, तो ये सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, ठीक है। बट आज हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मोस्टली जंक फूड पे बहुत डिपेंडेंट हैं, फास्ट फूड पे। तो ये जो फास्ट फूड है या जंक फूड हम कहें, ये सिर्फ हमारे पेट भरने का काम करते हैं, टेस्ट हमको देते हैं, बट न्यूट्रिएंट या हम कहें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, वी शुड टेक प्रॉपर डाइट, और वी कैन से अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक। अब देखिए क्या डिजीज़ हो जाती हैं, अगर हम देखें
ठीक है, कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। मान लीजिए अगर हमारी जो बॉडी है, जो डाइट है हमारी, उसमें हम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। अब रिकेट्स डिजीज़ में क्या होता है, देख रहे होंगे आप लोग, जो पैर हैं उनकी जो बोन्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं बेटा। मेनली हमारे जो लेग्स हैं उनकी बोन्स टेढ़ी हो जाती है। नॉर्मल बोन्स भी आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नॉर्मल बोन्स तो ऐसी होती हैं, बट ड्यू टू रिकेट डिजीज या हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो क्या हो जाते हैं, जो बोन्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं या रिकेट डिजीज हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डायग्राम है बहुत अच्छे से, इस तरह से। ऐसे ही बहुत सारे विटामिन्स हैं आपके, जैसे विटामिन सी है, उसकी कमी से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी डिजीज़, यानी कि जो हमारे गम्स हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ये किसकी वजह से, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स या स्कर्वी डिजीज इसे हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि विटामिन सी नहीं ले रहे हैं अगर डाइट में। और कहाँ मिलता है हमको विटामिन सी, मेनली हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी हो जाती है, जिसमें हमारी नर्व्स प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका है विटामिन ए है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस हम कह सकते हैं, और आपका डी से तो बता ही दिया, रिकेट्स आपका हो गया, ठीक है। और अगर प्रोटीन नहीं ले रहे मान लीजिए हम अपनी डाइट में, तो भी मेरिस्मस डिजीज़ हो जाती है, ठीक, या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है बॉडी की। तो क्या है कि अगर ये क्या है, डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या है, दे आर नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑल्सो, यानी कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं प्रॉपरली फंक्शन करें उनके लिए ये ज़रूरी है। अब कुछ जो डिजीज़ हैं वो किस वजह से होती हैं बेटा, ड्यू टू सम माइक्रोब्स, ठीक है। अब जो माइक्रोब है ये भी बाहर से ही बॉडी में जाएगा, ठीक। ये माइक्रोब क्या हो सकते हैं बेटा, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंगस हो सकते हैं। जैसे आजकल तो सबसे कॉमन माइक्रोब आपको पता है कौन है, COVID-19 जिसे हम कह रहे हैं, एक वायरस है और इसकी वजह से कोरोना डिजीज़ या COVID-19 जो डिजीज़ है वो हो जाती है, कोरोना हो जाता है ना। तो ये क्या है, वायरस है जो कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। डिफरेंट वायरसेस हैं, मम्स के हैं, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो, रेबीज, बहुत सारे डिजीज़ हैं बच्चों जो किसकी वजह से हो सकती हैं, वायरसेस की वजह से हो सकती हैं। अब ये कैसे स्प्रेड होता है, ये हम नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर को डिटेल में, तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वायरसेस किस तरह से फैलाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया हैं, आप जानते हैं ये भी माइक्रोब्स हैं, और इन बैक्टीरिया की वजह से भी क्या हो सकती हैं, बहुत सारे डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी सुना होगा आप लोगों ने, टेटनस हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड, हुपिंग कफ, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, दीज आर सम बैक्टीरियल डिजीज़। फंगस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से भी जैसे आपने देखा होगा एथलीट फीट हो गया, ठीक है, जैसे पैरों के बीच में हो जाते हैं ना, हमारे जो टोज हैं उनके बीच में हम कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, वहाँ पे जो हमारी स्किन है वो डिकम्पोज होने लगती है, डिके होने लगती है, तो एथलीट्स फीट उसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो आपका क्या हो जाता है बेटा, दाद वगैरह आपको पता होगा, ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से होता है आपका, जैसे रिंग वॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फंगस। तो क्या है आपके, बहुत सारे डिजीज़ हैं जो किसकी वजह से हो सकती हैं, माइक्रोब की वजह से हो सकती हैं, और ये भी कैसे फैक्टर हैं, दे आर ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके अलावा बेटा कैसे हैं, इन्वायरमेंटल डिजीज़ भी होते हैं। इन्वायरमेंटल डिजीज़ यानी कि पॉल्यूशन की वजह से, या ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स, जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उनकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये बहुत सारी फैक्ट्रीज से रिलीज हो सकते हैं, या इसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स जानते हैं ना हम लोग, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, हमारे फील्ड में, टू किल द पेस्ट, जो पेस्ट हैं उनको किल करने के लिए, तो पेस्टिसाइड की वजह से हो सकती हैं, केमिकल्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से, ठीक है, एयर वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो जाती हैं बेटा, ठीक है, यहाँ तक कि कैंसर तक भी बात चली जाती है। तो ये
डिटेल में तो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे रही हूँ स्टार्टिंग में, कि इन्वायरमेंटल डिजीज़ यानी कि ड्यू टू पॉल्यूशन जो डिजीज़ होती हैं उन्हें हम इन्वायरमेंटल डिजीज़ में रखते हैं। देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। हर साल एवरी ईयर आपके अराउंड 7 मिलियन डेथ हो जाती हैं, किसकी वजह से? आउटडोर एंड हाउस होल्ड जो एयर पॉल्यूशन होता है, सोचिए हर साल इतनी डेथ सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से होती है। एयर पॉल्यूशन के और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, लंग कैंसर्स हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं? डिफरेंट जो डिजीज़ हैं किसकी वजह से माना जा रहा है आपका? पॉल्यूशन की वजह से या एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं, ठीक। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल फैक्टर में, क्योंकि ये बाहर की वजह से ही जा रहे हैं ना, बाहर से ही ये पॉल्यूटेंट हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में इसको हम रखेंगे। इसके अलावा आज जो सबसे बुरी चीज़ जो समाज में चल रही है, ठीक है, वो है डिफरेंट टाइप्स के जो ये ड्रग्स हैं, टोबेको हो गया, अल्कोहल हो गया, और इसके साथ साथ जो ये नारकोटिक जो ड्रग्स होते हैं, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कितने केसेस ये सब कुछ हुए, देखने को मिला हम लोगों को, और उसकी वजह से कितनी जिंदगियां तबाह हो गई है ना, सब आप इतना जानते हैं कि क्या हो रहा है समाज में, ठीक है बच्चों। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कई तरह की डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारा जो वॉइस बॉक्स है वहाँ पे टोबेको की वजह से कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, ठीक है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, पैनक्रियाज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर जो इसे यूज़ करता है टोबेको को, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैंसर से सफ़र करता है। तो आपके नियर बाय अगर कोई भी यूज़ करता हो तो बिल्कुल रोकने की कोशिश करिए उसको, एज एजुकेटेड हम कहेंगे कि स्टूडेंट या एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, रोकी जा सकती हैं। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको हम रोक सकते हैं, अपने आप को और अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपका जो अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनकी वजह से भी क्या है, कई तरह की डिजीज़ हो जाती हैं, ब्रेन में मेमोरी लॉस होना, मूड स्विंग होना, ठीक है, और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम हो जाती हैं, किडनी खराब हो जाती हैं, स्टमक में अल्सर हो सकता है, ठीक है, और जो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती हैं, स्ट्रोक पड़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, तो वीकनेस हो सकती है, और ब्रेन डिसऑर्डर भी आपने देखा होगा, जो इस तरह से अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, और अपने आप को हम लोग प्रोटेक्ट करें। तो आज जो ये टॉपिक था बेटा, आज सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन देखा कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकती हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। आगे जब हमारे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ के बारे में जानेंगे, किस तरह से ये स्प्रेड होती हैं और हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।